हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज पहुंच चुकी हूं कहाँ, एनी गेसेस? तो मेरे बैकग्राउंड को देख के बता दो। यस, यू गाइस आर राइट, मैं पहुंच चुकी हूं कड़ाके की ठंड के साथ शिमला। तो यहां पे जो आजकल चला है विंटर कार्निवल, तो चलो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी जाएंगे सबसे पहले रिज और साथ में आपको दिखाएंगे मार्केट, सो लेट्स गो एंड वॉच द कम्प्लीट वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अभी मैं हूँ ओल्ड बस स्टैंड शिमला। तो आप ओल्ड बस स्टैंड से रिज पहुंच सकते हो बाय वॉक, और वो इस रास्ते से। तो ओल्ड बस स्टैंड के साथ में ही है ये पुल, तो आपको इससे होते हुए जाना है। और साथ में आती है लोअर बाज़ार मार्केट और राम बाज़ार, साथ में सब्जी मार्केट भी है। तो आपको इन मार्केट से होते हुए पहुंचना है रिज। तो इन मार्केट में हर तरह का सामान मिलता है। तो जब भी आप शिमला आते हो आप लोग कम्फर्टेबल शूज़ पहन के आए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो सामने आप देख सकते हो ये है राम मंदिर, और ये मंदिर मार्केट के बिल्कुल साथ ही है। तो ये रास्ता जो है वो शिमला ओल्ड बस स्टैंड से शिमला रिज पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। तो ये रहा राम मंदिर का गेट। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिमला मॉल रोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो मॉल रोड में काफ़ी ब्रांड्स है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो लेवाइज, प्यूमा और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स है। तो यहाँ पे हमें मिला ये क्यूट सा मिकी माउस जो सबको हेलो बोल रहा है, हेलो। तो मॉल रोड में जो चीज़ों का प्राइस है वो थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू लोअर बाज़ार। तो आप लोग देख सकते हो मॉल रोड को भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे चला है विंटर कार्निवल। तो यहाँ पर भी मॉल रोड पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, जैसे आप देख ही सकते हो सामने यहाँ पे हर तरह की शॉप्स है और हर तरह का सामान अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देखते हो शिमला का व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। और ये सामने रहा क्रिस्ट चर्च। तो यहाँ पे डेकोरेशन हुई है विंटर कार्निवल के लिए, कल उसका लास्ट दिन है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो शिमला विंटर कार्निवल का एंट्री गेट। तो ये विंटर कार्निवल हो रहा है शिमला रिज पर। और ये रहा विंटर कार्निवल का पोस्टर। तो मॉल रोड में ही है ये भी इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर। तो आप लोग देख ही सकते हो मॉल रोड में कितना रश है। तो अभी रिज पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होगा, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आ दोस्तों, काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेशन की गई इस शॉप में। यहाँ का मॉल रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है और रात में तो व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे ये सामने आप देख सकते हो ड्रीम कैचर, जो कि डिफरेंट कलर्स में है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिज के बहुत ही करीब। फाइनली हम
पहुंच चुके हैं रिच के बॉडी पास, चलो चलते हैं। तो गाइस यहां पे चला है विंटर कार्निवल जिसका शायद कल लास्ट दिन है। फाइनली वी हैव रीच्ड हेयर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा रश है और काफी अच्छे से डेकोरेशन की गई है। तो व्हाइट छतों वाली जो आप ये सामने देख रहे हो शॉप्स, ये विंटर कार्निवल के लिए ओपन की गई है। तो अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है लाइव आगे स्टेज से। तो ये है हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की शॉप। यहाँ पे जो भी चीजें ये बेच रहे हैं वो हाथों से बनाई गई है। तो आप लोग देखते हो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में काफी ब्यूटीफुल शॉल्स बेची जा रही है। एंड यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेची जा रही है और ये शिमला का ही होटल है। तो आप लोग देख ही सकते हो शिमला रिजॉर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स है अंदर, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है। सामने है ये कैंडी की शॉप और इसके साथ में है ड्राई फ्रूट्स की शॉप। और ये रहा श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्टैच्यू। यहाँ पे काफी वैरायटी है ड्राई फ्रूट्स की। और ये रही कैंडी शॉप। तो यहाँ पे आप देखते हो सर्दियों के काफी ज्यादा कपड़े हैं। यहाँ पे लॉन्ग कोट्स है और ये डिफरेंट जंक फूड्स, ये है पापड़ और यहाँ पे है अलग अलग लोअर और ये डिफरेंट आंवला है और ये तो काफी क्यूट सी डॉल है। और यहाँ पे आप देखते हो क्यूट क्यूट चीजें लगी हुई है। तो यहाँ आप देखते हो अलादीन के जिन शिमला पहुंच चुके हैं। एंड ये रहे मंकी। तो यहाँ पे भी काफी ब्यूटीफुल चीजें मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखते हो काफी ब्यूटीफुल है ये ड्रीम कैचर्स। दुकान पे आओ, चाय पियो, कुल्फी है, आओ मेरे आका। आप आओ तो पूरे शिमला के चर्चे दिखाऊंगा मेरे आका। तो जिंदा है मेरे आका। मुझे इनके पोज काफी ज्यादा अच्छे लगे, ये काफी अच्छे अच्छे पोज दे रहे थे। एंड दिस प्लेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप यू गाइज इंजॉयड इट। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।